लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में जर्जर इमारतों के रीडेवलपमेंट के नाम पर महानगर पालिका और बिल्डर किस तरह कानून का मजाक बनाकर धांधली का खेल चला रहे हैं, इसका बड़ा खुलासा सामने आया है। वासी सेक्टर 9 की श्रद्धा और एकता सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए दी गई सीसी इसका बड़ा सबूत देती है। इस धांधली का खुलासा करते हुए रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने खुला आरोप लगाया कि दोनों सोसाइटियों का पुनर्विकास कर रहे अरिहंत बिल्डर्स और ईबी होम्स ने अधूरे और अवैध दस्तावेजों के जरिए सीसी हासिल की है, जो मनपा अधिकारियों के भ्रष्टाचारी नियत की पोल खोलती है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करने और स्थानीय नगर सेवक किशोर पाठक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, एसीसी महानगर पालिका के अधिकारी को पैसा दिया है, आर्किटेक ने पैसा लिया है फिर छोड़ के, और अरियन बिल्डर एवी होम्स और किशोर जी पाटकर, इन्होंने ये सब घोटाला किया है। किशोर पाटकर जी के वजह से अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये एकता और श्रद्धा के लिए जो इंजीनियर है, जो जयंत कांबड़े राजेश पवार, ये दो लोगों को निलंबित करना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, इनके खिलाफ फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। किशोर पाटकर जी का 10 साल पहले का प्रॉपर्टी आप देख लीजिए और अभी का किशोर पाटकर जी का प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसमें 10 गुना डिफरेंस है। कहाँ से है पैसा ही? अगर मेरे ऊपर उन्होंने झूठा आरोप किया तो उनका भी मैं ईडी के तहत उनका इंक्वायरी लगाने वाला हूँ, उनका सीबीआई का इंक्वायरी कर दूंगा। ये मेरा कामकाज चालू है। तस्वीर में दिख रही वासी की श्रद्धा और एकता सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट में धांधली का बड़ा खुलासा सामने आया है। दस्तावेज बताते हैं कि दोनों सोसाइटियों को दी गई निर्माण सीसी पूरी तरह से बोगस दिखती है। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने इस धांधली का खुलासा करते हुए बताया कि श्रद्धा को फरवरी 2021 में सीसी दी गई, जबकि उसका एग्रीमेंट अगस्त 2013 का यानी 8 साल पुराना और अधूरा है। एकता सोसाइटी का घपला तो इससे भी बड़ा है। एकता को 3 मई 2021 को सीसी दी गई है, लेकिन टीनेंट का एग्रीमेंट उसके बाद हुआ है, यानी एग्रीमेंट से पहले ही सीसी दे दी गई, जो धांधली का बड़ा सबूत देता है। बाला साहब मिर्जे ने कहा कि यह सब काली कमाई के लिए की गई जल्दबाजी है। ऐसी ही जल्दबाजी आकाश गंगा सोसाइटी के साथ की गई थी, जो आज तक इलीगल है और उसके 28 सभासद घर नहीं मिलने से सड़क पर हैं। बाला साहब मिर्जे ने कहा कि श्रद्धा और एकता सोसाइटी के साथ ऐसा न हो, इसीलिए वे रहवासियों के हित में लगातार आवाज उठा रहे हैं। श्रद्धा और एकता सेक्टर 9 और 10 में जो वाशी में सोसाइटी है, जो ये दो सोसाइटी के लिए महानगर पालिका ने जो सीसी दिया है वो गलत तरीके से दिया है। श्रद्धा सोसाइटी को उन्होंने जो सीसी दिया है तो वो सीसी दिया है 2021 में, 18/2/2021 में, और डेवलपमेंट एग्रीमेंट उनका है 30/2/2013 का। दूसरा है एकता सोसाइटी, जो एकता सोसाइटी का है, इनको इनका एग्रीमेंट है मई 2021 का, और इनको सीसी कभी दिया है? इनको सीसी दिया है 3/2/2021। सीसी के बाद बिल्डर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ बनाया है, ये गलत है। मेरा कहना यही है कि इतना आप घाई क्यों कर रहे हैं सीसी देने में? ठीक है, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, मगर ऐसे गलत कागज़ पत्र के तहत हो जाएगा तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। क्यों? आकाशगंगा सोसाइटी है, इसका डेवलपमेंट किया था, 28 लोग आज भी रास्ते पे है, इनको सीसी दिया, फिर सीसी कैंसिल किया, अभी वो बिल्डिंग अनलीगल तरीके से, यही नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी बोल रहे हैं। तो ये आकाशगंगा के जैसा
जे लोगों के साथ हुआ है, यही ये एकता और श्रद्धा के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। अब रीडेवलपमेंट की आड़ में इन सोसाइटियों में चलाए जा रहे बिल्डरों और मनपा अधिकारियों के धांधली भरे खेल का असली नमूना भी देख लीजिए। आरटीआई से मिले श्रद्धा और एकता सोसाइटियों के सहमति पत्र देख लीजिए। इनमें से अधिकांश के स्टैम्प पेपर पर टीनेंट के नाम ही नहीं है, जबकि इसकी नोटरी भी हो चुकी है। ऐसे दर्जनों एग्रीमेंट पेपर हैं जो बिना नाम के और कथित तौर पर फर्जी सिग्नेचर करके बनाए गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इसकी जांच परख के बिना सीसी कैसे दे दी गई? रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे का दावा है कि यह सीसी टाउन प्लानिंग अधिकारियों को पैसा खिलाकर हासिल की गई है। आरोप यह भी है कि इस घोटाले को शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक रहे किशोर पाटकर ने अरिहंत बिल्डर ईबी होम्स और मनपा अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जो सहमति पत्र लिया लोगों का, तो इसमें जो टेनेंट है, जो सभासद है सोसाइटी का, उनका नाम ही नहीं है, प्लेन है, नोटरी किया है, रजिस्टर नोटरी है और सिर्फ सिग्नेचर है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट किसका है? ऐसे गलत तरीके के एक नहीं, ऐसे अनेक है। इतना धांधली करने का, इतना गलती करने का रीज़न क्या है? किसी किसी लोगों का तो सिग्नेचर ही झूठा वो लोगों ने मारा है। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, एसीसी महानगर पालिका के अधिकारियों को पैसा दिया है, आर्किटेक्ट ने पैसा लिया है फिर छोड़ के, और अरियन बिल्डर एवी होम्स और किशोर जी पाटकर, इन्होंने ये सब घोटाला किया है। और मैंने इनका इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भेज दिया है। गौरतलब है कि वार्षिक श्रद्धा और एकता सोसाइटियों की जमीन बेशकीमती है, यहाँ बनने वाले मकानों की डिमांड करोड़ों में है। यही वजह है कि बिल्डर, स्थानीय नेता और भूमाफिया हर कोई यहाँ गिद्ध की तरह आंख लगाए बैठा है और रीडेवलपमेंट के नाम पर पुरानी इमारतों को हथियाना चाहता है। किशोर पाटकर इसके सबसे बड़े सूत्रधार बन रहे हैं, जिनका हाथ पकड़कर अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर और ईबी होम्स जैसे नामचीन बिल्डर आसानी से यह धांधली का खेल चला रहे हैं। हालांकि बाला साहब मिर्जे ने इनके खिलाफ सीएम, राज्यपाल और एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर सीसी देने वाले मनपा अभियंता जयंत कामले और राजेश पवार को भी तत्काल निलंबित करने एवं अरिहंत बिल्डर्स, ईबी होम्स और उनके आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। हमने ये राज्य के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, उनको भी लेटर दिया है। माननीय यहाँ के पालक जी मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी लेटर दिया है। हमने ये राज्यपाल महोदय, इनको भी लेटर दिया है कि ये सब की जाँच होनी चाहिए। मेरी मांग है, सबसे पहली जो ये एकता और श्रद्धा के लिए जो इंजीनियर है, जो जयंत कामड़े, राजेश पवार, ये दो लोगों को निलंबित करना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, इनके खिलाफ फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। जो अरियन बिल्डर और ईवी होम्स, ये लोगों के आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। ये लोगों ने ये सब गलती किया है, इनको भी ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर ना तो NMMC के टाउन प्लानिंग डायरेक्टर हेमंत ठाकुर बोलने को तैयार हैं, ना तो किशोर पाटकर जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि धांधली के आरोपों में गिरे अभियंता जयंत कामले और राजेश पवार भी कैमरे पर बोलने को राजी नहीं हैं। हालांकि कैमरे के पीछे सबका यही कहना है कि सीसी देने में कोई धांधली नहीं हुई है। सवाल यह कि अगर सब सच्चे हैं तो फिर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।